क्या आपको पता है कि जब आप क्रोम ब्राउजर में अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती। बिलीव नहीं हो रहा ना, मैं आपको एक डेमो देकर बताती हूँ। आप नॉर्मली क्रोम ब्राउजर में हिस्ट्री में जाकर अपनी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करते होंगे, लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती और गूगल आपकी सारी इंटरनेट एक्टिविटी और डेटा को स्टोर रखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर देती हूँ। गूगल से अपनी हिस्ट्री और डेटा को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको myactivity.google.com पर जाना है। यहाँ आपको अपनी पूरी गूगल हिस्ट्री दिख जाएगी। आप देख सकते हो जो हमने क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री में जाकर डिलीट की थी वो हिस्ट्री यहाँ दिख रही है। डिलीट पर क्लिक करके ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। अब आपको सिर्फ क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है तो वो सेलेक्ट कर लो, या फिर क्रोम और यूट्यूब दोनों की सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और फिर डिलीट पर क्लिक कर दो। दैट्स इट। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।